फिर सुर्खियों में सुल्तानपुर के चेतराम, अब शीशे में सजेगी राहुल की सिली चप्पल। मुंह मांगी कीमत पर भी इसे बेचने को तैयार नहीं है चेतराम। सुल्तानपुर से लखनऊ लौटते हुए राहुल गांधी ने जिस जूते और चप्पल की सिलाई की है उसे चेतराम अपनी दुकान में शीशे का फ्रेम बनवाकर सजाएंगे। वो उसे किसी कीमत पर बेचने या लौटाने को तैयार नहीं है। कहते हैं कि एक अजनबी फोन करके मुंह मांगी कीमत देने की बात कर रहे थे, मैंने इनकार कर दिया। इसे हमारी मसीहा ने हाथ लगाया है, इसे जान के टुकड़े की तरह रखेंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के करीब कूड़ेभार में विधायक नगर चौराहे पर मोची रामचेत अब बेहद व्यस्त हैं। व्यस्तता केवल जूते चप्पल की मरम्मत तक ही नहीं है, बल्कि दिन में इतने लोग उनसे मिलने आते हैं कि अब वे लोगों को ज्यादा समय भी नहीं दे पाते हैं। आपको बता दें कि लोग आकर सामने बेंच पर बैठे रहते हैं और रामचेत अपना काम निपटाते रहते हैं। अपनी दुकान पर बैठे चेतराम से जब पूछा गया कि आखिर वो कौन सी चप्पल और जूता है जिसे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सिला था, चेतराम ने बड़े गर्व से वो चप्पल दिखाई, फिर कहा कि वो जूता राहुल गांधी ने सिला था वो तो हमारा है, लेकिन ये चप्पल किसी ग्राहक की है, लेकिन अब वे इसे किसी को देंगे नहीं। आखिर किसी को देंगे क्यों नहीं? इस सवाल पर वे बोले कि एक फोन आया था और कह रहे थे कि झोले में भरकर जितना चाहो पैसा दे देंगे इस चप्पल का, लेकिन मैंने इनकार कर दिया, ये हमारे मसीहा की निशानी है। कौन है चेतराम? सदर तहसील के गांव ढेसरुआ गांव के गोसाई का मठिया के रहने वाले मोची चेतराम कूड़ेभार विधायक नगर चौराहे पर जूते चप्पल मरम्मत करने का काम करते हैं। 26 जुलाई को उनकी दुकान पर कुछ देर रुके थे राहुल गांधी। सुल्तानपुर में कोर्ट की पेशी से लखनऊ लौट रहे थे राहुल गांधी। चेतराम की दुकान पर कुछ देर रुके थे और अपने हाथों से एक चप्पल और जूते की सिलाई की थी। राहुल गांधी ने भिजवाई थी जूता सिलने की मशीन, तभी से चेतराम अचानक सुर्खियों में आ गए। बता दें कि 26 जुलाई को राहुल गांधी जब रामचेत से उनकी परेशानियां जानकर वापस लौट रहे थे तो दूसरे दिन उनकी टीम के सदस्यों ने दुकान पर आकर रामचेत को जूता सिलने की मशीन दी थी। हालांकि घर में बिजली का कनेक्शन न हो पाने के कारण रामचेत अभी ये मशीन चला नहीं सके हैं। बहरहाल राहुल गांधी के आने के बाद प्रशासन भी सक्रिय हुआ और उनकी झोपड़ी पर पहुंचकर उनके आवास और राशन कार्ड का फॉर्म भी भरवाया गया। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।